निर्भया गैंगरेप के दोषी 20 मार्च को होने वाली फांसी को टालने के लिए रोजाना नए नए हथकंडे अपनाने से पीछे नहीं हट रहे। और इसी बीच निर्भया गैंगरेप का आरोपी मुकेश सिंह को 7 साल बाद राजस्थान की बात याद आई है। मुकेश ने अपनी फांसी को टालने के लिए हाईकोर्ट में नई याचिका डाल दी। दिल्ली कोर्ट ने इस याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है और इससे पहले मुकेश ने याचिका दाखिल करके मौत की सजा को रद्द करने की मांग की थी और साथ ही दावा किया है कि जिस वक्त गैंगरेप की यह घटना हुई वो दिल्ली में ही नहीं था। निर्भया गैंगरेप के दोषी मुकेश ने अपने वकील एमएल शर्मा के माध्यम से डाली याचिका में ये दावा किया है कि वो 17 दिसंबर 2012 को राजस्थान से गिरफ्तार हुआ था। वो तो वारदात वाले स्थल पर घटना के वक्त था भी नहीं और ऐसे में वो इस केस में दोषी नहीं है।